ना आप तो कैसे हैं आप लोग। और आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं भोला का। वो तो ये पहले से ही है। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मिस्टर एक्शन। और आज हम रिएक्शन करने जा रहे हैं भोला का। होला भोला जो कि एक रीमेक है यस कायथी का। कायथी का, लेकिन थोड़ा सा हट के है, थोड़ा सा डिफरेंट है। मतलब चेंज की उन्होंने, फुल चेंज कर वर्ड दिया ऑफ उन्होंने। माउथ तो यही है उसके बारे में। तो और क्या कहते हैं, क्योंकि हम ज़रा लेट कर रहे हैं रिएक्शन, तो काफ़ी हमें कहते हैं चीज़ें मिल गई हैं सोशल मीडिया पे वगैरह चल रही है, और बड़ी मुश्किल से बचा के हमने ना किसी तरह से कि स्पॉयलर्स वगैरह कुछ ना मिलें, बहुत कोशिश की है बचाने की कि ताकि हमारा जो जेन्युइन रिएक्शन है वो आपको मिले। ऐसा ही है ना। ऐसे ही है, ऐसे ही। तो जनाब मैं हूँ जैफा मैं हूँ इस्माइल। और हम आज दोबारा से रिएक्शन करने जा रहे हैं भोला, अजय देवगन, तब्बू और कौन कौन है, और अभिषेक बच्चन भी है इसके अंदर, छोटे नवाब। कमाल कमाल कमाल। चलो बाकी बातें बाद में करते हैं, पहले रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, रिएक्शन पे जाते हैं। यार ये क्या है यार, लोग ये क्यों भूल जाते हैं, इस वर्दी के पीछे भी एक इंसान है। काबू का भी नया होगा ये खाना। क्या स्टोन था। बार जब उसने रण को तिलक लगा दिया, भूल जाता है उसकी धड़ पे सभी। थर्टीन मार्च भाई साहब बॉन्कर्स। ओ हो यार, आई थिंक जो मैंने ना इस साल ना जो सबसे अच्छे ट्रेलर्स में देखे हैं ना, मैंने देखे हैं, जब देखे हैं चीज़ें वगैरह जो दिख रहा है कि बहुत प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, ये मेरे ख्याल से टॉप पे है। मुझे नहीं लग रहा कि किसी भी जो मैंने देख लिया ना, जो मेरी अपनी पर्सनल हाइप नहीं मैच कर पा रही किसी और ट्रेलर से, किसी और कंटेंट से, मुझे समझ नहीं आ रही है क्या बनाया है। हालांकि जो अब देखें शिवाय जो बनाई थी पहली, ये सेकंड उसकी डिब्यूट है ना जय देवगन की, या पता नहीं थर्ड है, थर्ड आई थिंक। हाँ वो थर्ड रेन में रनवे 34 वो भी उसने बनाई थी जय देवगन ने, डायरेक्ट की थी। बहरहाल यार इससे ज़बरदस्त मुझे देवगन की मूवी लग रही है। हालांकि शिवाय हमने देखी कितनी डॉप थी, शिवाय देखी है ना मूवी जय देवगन की, वो उसकी डायरेक्टर में डायरेक्टिंग में डिब्यूट मूवी थी, और वो बहुत ज़बरदस्त लगाई थी, बहुत ज़बरदस्त उसके कुल एक्शन सीन्स थे और हर चीज़ ए टू जी। बट मुझे नहीं पता कि वो बॉक्स ऑफिस पे अच्छा रिएक्ट नहीं कर पाई थी, ये कहते हैं परफॉर्म नहीं कर पाई थी, उसकी क्या वजह बनी थी। लेकिन ये मेरे ख्याल से पीक है। अब ऐसी बंदा एक्टर जिसकी थर्ड मूवी है, वो अलग बात है कि उसका पूरा करियर है, लेकिन उसकी थर्ड डायरेक्टर मूवी है, उसके बाद वो ये रिजल्ट दे रहा है, ये आउटपुट दे रहा है। मुझे बताओ तुमने कोई ऐसी चीज़ देखी है अभी तक? हम ओरिजिनल हमने देखी हुई है, ओरिजिनल देखी है ना कहती थी हमने, हमने देखी हुई यूट्यूब पे, लेकिन ये जो हट गई है चीज़, हाँ बिल्कुल डिफरेंट है। ये तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ना कायथी को ना किसी ने पता नहीं वो कोई पिला दी है कुछ, और वो कहाँ से उसके रेडबुल पिला दिया और उसके वो पढ़ निकला है, और वो क्या घूम फिर के सीन हो गया उसका।
बहुत यार मुझे समझ नहीं आ रही, उसने एक मिनट पचास सेकंड के ट्रेलर में टीज़र है ये, और उसमें इतना कुछ हमें दिखा दिया गया, इतने उसमें एक्शन सीक्वेंसेस हैं और किस किस तरह से एक्शन हुआ है मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या बोलूँ। वो कहते हैं ना कि आई एम टोटली स्पीचलेस, वो लफ्ज़ ही नहीं है उसे और क्या बोलें। ऐसा ही है बहरहाल भाई लोग हाइप होता है, बहुत लेवल है, बहुत ही डॉप है, और उम्मीदें बढ़ गई हैं भाई, हमारी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। और एक मुझे लग रहा है कि वो मिल गई है, कहते हैं ना कि उम्मीद एक अच्छी चीज़ें मिल गई हैं, कि मुझे इतने कोई ख़ास प्रोजेक्ट्स नहीं थे जिनके लिए कोई हाइप बन रही थी, लेकिन ये इसका है जिसका मैं लुक आफ्टर करूँगा, मैं देखूँगा, मैं इंतज़ार करूँगा कब रिलीज़ होगी ये भोला, है कि नहीं। बहुत ही यूनिक बनाई है, बहुत फिर। और यार खासकर मैं दिखाऊँ आपको कुछ उसके सीन्स हैं जहाँ पे तुमने पहचाना है उसको के अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन का होता है ये, देख रहे हो जरा। एक और चीज़ तो मैं दिखाऊँ, ये जरा इसमें जो डायरेक्टर था ना इनका, ये शिफाई का रेफरेंस है, ये जो इसमें वो सिगरेट वो पी रहे हैं ना बाबा, ये उसको उसमें रेफरेंस दिखा रहे हैं, जो शिफाई मूवी में वो भी अजय देवगन ऐसे पीता है ना, जो पाइप होती है जो भी सिगरेट होती है, ये बड़े डायरेक्टर की चीज़ होती है कि अपने जो मूवीज़ में ना सिग्नेचर वो होते हैं, फ्रेम्स होते हैं, सीन्स होते हैं जो हर मूवी में होता है, क्रिस्टोफर नोलन हो गया, जेम्स कैमरन हो गए, ये चीज़ें, ये इस तरह के सिग्नेचर फ्रेम्स वगैरह ये अपनी मूवीज़ में दिखाते हैं, ये वगैरह बहुत ज़बरदस्त लगे। वह हमको पिछले भी सीन याद हैं, वो ये कहते हैं ना कि एक वो सिग्नेचर मूव होता है, कि एक यूनिक अपनी वो चीज़ होती है, कोई एक शॉट भी हो सकता है, कोई एक व्यू भी हो सकता है, कोई एक सीन भी हो सकता है। अब ये हम कंपेयर करें ना, इसके वीडियोज़ भी हैं, जैसे सैम रेमी नहीं था स्पाइडर मैन जो नहीं है, अब वो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी थी ना जब उसने दोबारा डायरेक्ट की मार्वल की, तो उसमें काफ़ी सारे सीन सिमिलर थे किससे, स्पाइडर मैन से, बहुत सारे सीन्स, और उसने जानबूझ के वो ईस्टर एग जैसा छोड़े थे उसके अंदर, ये भी वन ऑफ द फ्यू थिंग्स है। बहुत आप बताएं आपको कैसा लगा रिएक्शन हमारा, और वीडियो आपको ट्रेलर कैसा लगा यार, बहुत बहुत ज़बरदस्त है, ये बहुत ही छा जाएगा आती ही मूवी, मुझे फॉर श्योर मुझे लग रहा है कि ये ना बहुत बड़ी हो सकती है, ये इसको कायथी जो ओरिजिनल है उसको टक्कर दे देगी। नहीं, कायथी बहुत नीचे थी, वो इतनी कोई ज़बरदस्त हिट नहीं थी, लेकिन ये मुझे लग रहा है कि अगर आवाम ने इसको, अगर ना ऑडियंस ने सही इसको दिया ना, मतलब कि रिएक्शन दिया, रिस्पेक्ट दिया उसको, कहे तो ये अजय देवगन की 1000 करोड़ मूवी हो सकती है, दूसरी RRR में तो उसका कैमियो था उसका, लेकिन 1000 करोड़ तक जा सकती है मूवी, क्योंकि उसमें पोटेंशियल है, बहुत दिख रही है, और मैं कहता हूँ सिनेमाटोग्राफी और सीन्स शॉट किए गए, ओह लेवल। गायत्री विक्रम में भी इतना कमाल नहीं था, उसमें ये लैक करती है विक्रम में, उनमें विक्रम का यूनिवर्स बनाने बहुत अच्छा किया उसने, लोकेश गंगराज ने जो विक्रम बनाया वो विक्रम का यूनिवर्स बनाया, लेकिन अपना जो कैथी यूनिवर्स बनाया है, लेकिन ये चीज़ जो मैं उसमें से एक वो करता था कि ना कि उसमें सिनेमाटोग्राफी जो है ना वो लैक करती थी, उसके जो एक होती नहीं ब्यूटिफिकेशन ऑफ सीन्स, वो उसमें लैक करती थी, जो इसमें भर भर के, और मुझे नहीं लगता, बहुत डिफरेंट है उसे, वो चीज़ नहीं है, मुझे बिल्कुल भी फील नहीं आ रही थी कि मैं कायथी देख रहा हूँ, या वो सिमिलैरिटी लग रहे थे कौन कौन से सीन है वो पहचान गया था, लेकिन वो कुछ मैच नहीं कर रहा, लेवल और उनका तरीका और उनका एग्जीक्यूशन कुछ भी मैच नहीं कर रहा उसमें से, टोटली डिफरेंट है। वो कह लें कि वो एक ग्राउंड स्कोप पे थी, इंडिपेंडेंट मूवी जैसे कहते हैं ना, कि बहुत ही उस पर बनाई गई थी, लेकिन ये एक टोटल कमर्शियल लगा वाला और बहुत ही क्या कहते हैं ज़बरदस्त, आई थिंक इसलिए भी क्योंकि जो अजय देवगन के जो फादर थे वो एक एक्शन डायरेक्टर थे पहले मूवीज़ वगैरह में, तो आई थिंक इसलिए भी उनको बड़ी अच्छी उसकी पहचान है, और रोहित शेट्टी के साथ भी काम करते रहे हैं, जो खुद भी एक एक्शन डायरेक्टर, उनके वाले साहब भी थे, उनके जो अबू थे जो एक्शन डायरेक्टर थे, और वो भी इसी में काम करते रहे हैं, पहले एक्शन डायरेक्टर वो उसमें रहते रहे हैं और अपनी मूवीज़ में दिखाते रहे हैं, उनके साथ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मूवीज़ आई थिंक रोहित शेट्टी के साथ की है उन्होंने, गोलमाल 1, 2, 3 पता नहीं कौन कौन सी, और वो सिंघम वगैरह ये वो, तो मैंने वो ही अपना टैलेंट सारा जो सीखा है या जो भी चीज़ें उसमें यूज़ करते मिल रहे हैं हमें, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त करती है अजय देवगन एट इट्स पीक। ठीक है, बहरहाल बहुत हो गया आज के रिएक्शन, ये भी ख़त्म करते हैं अभी के लिए, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलने की मुलाकात होंगी, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को दोबारा मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी
लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स मिलती है। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही ट्रेलर देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आप, इंशाल्लाह आपको दिन मिलते हैं। ओके, अस्सलाम वालेकुम।